अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम पीएमसी की तरफ से इशू करता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो बेटा, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो पीएमसी ने जो इशू की है, जो कि आज की जियो न्यूज़ पर भी जो है वो वेबसाइट पे अपलोड की गई है, और वो न्यूज़ ये है, एमडीकेट क्वेश्चंस सर्कुलेटिंग ऑन इंटरनेट आर फैक्ट क्लेरिफाइज पीएमसी। पीएमसी ने ये बात क्लेरिफाई की है कि इंटरनेट पर बहुत सारे एमसीक्यू जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं, और बहुत सारे एमसीक्यू जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो फेक हैं। और याद रहे, बहुत से बच्चे हमें एमसीक्यू फॉरवर्ड करते थे, हम इतनी मेहनत से उसके आंसर प्रिपेयर करते थे, फिर पता चलता था वो फेक निकलते थे। तो इसीलिए हमने पीएमसी के जो नेट पर अपलोडेड सवाल जो बच्चे हमें सेंड कर रहे होते हैं, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देना जो है वो स्टॉप करने की बड़ी वजह यही थी। उसमें बहुत से सवाल जो थे वो क्या थे, फेक थे। बहुत से सवाल वो थे जो एमबीबीएस के सवाल दे के जा रहे थे, बहुत से सवाल वो थे जो एमबीबीएस के एमसीक्यू जो है वो पीएमसी के एंट्री टेस्ट के नाम पर जो है वो सर्कुलेट हो रहे थे। और मैं खुद हैरत में था कि ये तो वो चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एमबीबीएस में हम पढ़कर आ रहे हैं, ये एंट्री टेस्ट में किस तरीके से पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सर्कुलेट हो रही थी, और पीएमसी ने भी इसकी वजाहत कर ली कि ये एमसीक्यू जो सारे सर्कुलेट कर रहे हैं वो क्या हैं, फेक है। आगे पीएमसी ने इस हवाले से और क्या डिटेल दी है, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एमडीकेट क्वेश्चन सर्कुलेटिंग ऑन द इंटरनेट आर फैक, क्लेरिफाइज पीएमसी। एक तो उन्होंने कहा कि भाई एमसीक्यू जो सर्कुलेट कर रहे हैं वो फैक हैं, और पीएमसी ने बच्चों को एडवाइस दी है। देखें, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हर 10 में से एक बच्चा जो होता है वो एमबीबीएस में एडमिशन लेने में कामयाब होता है, या परसेंटेज ये इससे भी कम होता है। अब बकिया जो 9 होते हैं, जो किसी ना किसी तरीके से हर साल, कोई नई बात नहीं है, हर 10 में से एक बच्चा जो है वो एंट्री टेस्ट में वो स्कोर लेकर आता है, जिस वजह से उसका एमबीबीएस में एडमिशन होना या बीडीएस में एडमिशन होना। बकिया जो 9 बच्चे जो रह जाते हैं वो किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं, पैनिक करते हैं, चाहे वो एनटीएस हो, चाहे वो पीएमसी हो, किसी के भी खिलाफ। और इस साल उन्होंने जो हरकतें की हैं वो क्या की हैं कि एमबीबीएस और यहाँ वहाँ के जो है ना अलग अलग तरह के सवाल उठाकर ये साबित करने की कोशिश की है कि पीएमसी ने जो है वो हमसे बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के सवाल जो पूछे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पीएमसी ने बच्चों को एडवाइस दी है, स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द सिलेबस, सेज पीएमसी। पीएमसी ने कहा है कि भाई आपको जो सिलेबस दिया गया है आप उस पर अच्छे से क्या करें, फोकस करें। ये पीएमसी ने, ये भी बहुत अच्छी बात है कि पीएमसी ने ये बात क्लियर की। एग्जामिनेशन नॉट डिपेंडेंट ऑन एन ओपन एक्सटर्नल इंटरनेट कनेक्शन, पीएमसी क्लेरिफाई गाइडलाइंस फॉर एमडीकेट एग्जाम। अब देखो, एक और अफवाह क्या उठ रही है, वो ये है कि स्टूडेंट जो है ना एमसीक्यू वहाँ कंप्यूटर पर जो है वो अटेम्प्ट करते हैं और वो एमसीक्यू जो स्किप कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 210 सवाल हैं, 210 सवाल में आपने क्या किए, 30 सवाल जो है वो क्या है, वो आपने स्किप किए हैं, और वो 30 सवाल को आप एंड में जाकर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये भी अफवाह उड़ाई है कि जो सवाल आप स्किप करके बाद में सॉल्व करते हैं उसके नंबर नहीं दिए जा रहे। तो ये स्टूडेंट जो हर 10 में से 9 बच्चे जो हर साल फेल होते हैं, किसी ना किसी तरीके से प्लानिंग करते हैं, कोई ना कोई इस तरीके से अफवाहें उड़ा रहे होते हैं। तो इस तरीके से अफवाहें उड़ाने शुरू की, एक तो फैक्ट सवाल उन्होंने जो है वो फैलाने शुरू कर दिए हैं, दूसरा जो है उन्होंने ये अफवाह उड़ाई है कि जो आप क्वेश्चन जो है वो स्किप करते हैं, उस स्किप करदा क्वेश्चन के जो है वो भले आप एंड में उसको अटेम्प्ट भी कर लें उसके नंबर नहीं मिलते। ये टोटली अफवाह है, पीएमसी ने इसको भी क्लियर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे जो है वो पीएमसी इसके हवाले से, द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑन ट्यूसडे अनाउंस दैट द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन क्वेश्चन सर्कुलेटिंग ऑन द इंटरनेट आर फैक। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो फैक है, मैंने आपको इससे पहले ही बताया। पीएमसी शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन बींग सर्कुलेटेड ऑन द इंटरनेट एंड रॉट दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैसेज बींग सर्कुलेटेड ऑन द इंटरनेट फॉल्सली क्लेम टू बी क्वेश्चन फॉरम द एमडीकेट। पीएमसी ने जो है वो एक दो क्वेश्चन की एग्जाम्पल भी देते हुए कहा कि ये पीएमसी के क्वेश्चन बैंक के सवाल थे, और उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने उस तस्वीर पर, उन सवाल के ऊपर फैक की एक बड़ी सी स्टैम्प करके भी बताई, वो मैं तस्वीर भी आपको बताने जा रहा हूँ। द कमीशन वॉर्न स्टूडेंट दैट द क्वेश्चन आर नॉट पार्ट ऑफ द एमडीकेट एग्जाम क्वेश्चन बैंक एंड आर बींग यूज बाई मिसक्रिएट्स टू मिसलीड स्टूडेंट एंड क्रिएट पैनिक। वो बच्चों को पैनिक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं जिनकी अब तक डेट नहीं आई,
उनके दरमियान पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म के सवाल डाल रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज। इवन यहाँ तक तो कुछ वीडियो में तो यह भी बताया गया कि भाई हमारी जो बुक है वो अपनी बुक की एडवर्टाइजमेंट भी शुरू कर दी कि हमारी बुक से जो है वो 150 MCQ जो है वो यहाँ से रिपीट हुए हैं, काइंडली ये बुक खरीदें। हर तरह से बच्चों को जो है वो मिसगाइड करने वाले जो लोग हैं वो मैदान में आ चुके हैं। तो इसकी भी PMC ने जो है वो वजाहत की। PMC आस्क्ड स्टूडेंट नॉट रिलाई ऑन सच मिसलीडिंग पोस्ट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द MDKAT एंड फोकस ऑन द सिलेबस। मिसलीडिंग पोस्ट पर आप ना करें, आप फोकस करें उस पर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, देखो PMC ने बाकायदा सैंपल के तौर पर जो है वो सवाल जो दिए जो नेट पर सर्कुलेट कर रहे हैं और इसके ऊपर बाकायदा फेंक करके, बाकायदा ये जो दो तीन सवाल हैं ये बाकायदा मेरे पास भी आए कि भाई ये MCQ का पेपर था, तो इस पर बाकायदा फेंक करके उन्होंने ये बात क्लियर कर दी। फिर इसके बाद जो है आगे द PMC फर्दर ट्वीटेड अ नोटिफिकेशन क्लेरिफाइंग स्टूडेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द MDKAT। PMC wrote that student will have the option of skipping a question, जो है वो स्किप करने का ऑप्शन है, and attempting it later during the exam time, और इसको जो है वो बाद में आप कर सकते हैं। Adding that student will have the chance to review the already selected answer and revise them needed, और वो जो आपने मार्क किए ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का आपने ऑप्शन बी मार्क किया है, तो आप एंड में इसको रिव्यू भी कर सकोगे कि यार अगर आपको लगता है कि 10 में बी नहीं है, आप बी को सी करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। PMC फर्दर क्लेरिफाइज दैट द फाइनल स्कोर विल ओनली बी गिवन ऑन द आंसर सेलेक्टेड बाय द स्टूडेंट व्हेन द एग्जाम कंक्लूड, और स्कोर जो होता है वो फाइनली आप जो सारे MCQ जो मार्क कर चुके हो उसी बेस पर जो है ये मार्किंग होगी। तो ये सारी डिटेल भी जो है अभी मैंने आपको बता दी कि ये सारी बातें बता दी हैं कि फाइनल स्कोर की जो मार्किंग होगी वो उसी पे होगी जो फाइनली आपने जो है वो स्कोर मार्क किया होगा। The body further wrote that all final answers selected before the exam time will be fully recorded and score। आप जो फाइनल मार्किंग करते हो वो बाकायदा उनके पास रिकॉर्ड में भी मौजूद हैं। Regarding internet issues, PMC stated that examination is not dependent on an open external internet connection. Therefore, any issue with that will not hinder the exam. याद रखिएगा, फिर जो है वो कुछ लोगों ने जो है वो इशू ये भी अफवाह उड़ाना शुरू कर दी कि हम जब टेस्ट दे रहे थे तो इंटरनेट का इशू था, इंटरनेट के इशू की वजह से सवाल जो है वो सही तरीके से नहीं आ रहे थे, इस टाइप की अफवाहें भी उड़ा रहे हैं। तो PMC ने इसको भी क्लेरिफाई कर दिया कि PMC जो है वो एक्सटर्नल इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, और अगर कोई सिग्नल या इस टाइप का कोई अगर इशू आ जाता है तो PMC के एग्ज़ाम पर इस किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। PMC इज स्केड्यूल टिल September 30, और September 30 तक PMC के एग्ज़ाम जो हैं वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलते रहेंगे। तो वो बच्चे जिनकी अब तक एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ तो वो काइंडली पैनिक ना हो, फैक्ट किस्म के सवाल, हालांकि मैंने खुद भी बहुत से सवाल की एक्सप्लेनेशन देना जब शुरू की तो मुझे खुद अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि यार बहुत से सवाल वो हैं जो MBBS के सवाल हैं, बहुत ज़्यादा फजूल किस्म के सवाल हैं, तो इस टाइप के सवाल जो थे वो सामने आना शुरू हो गए थे। लेकिन वो तमाम के तमाम सवाल जो थे वो क्या थे, फैक्ट थे। स्टार्टिंग के कुछ डेज में कुछ बच्चों ने जो है वो सही सवाल बताए, लेकिन जो बीच में जो गड़बड़ करने वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने फैक्ट सवाल जो हैं वो इतने फैला दिए कि अब ये पहचान करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है कि कौन से सवाल जो है वो जीनियन है, कौन से सवाल फैक्ट है। तो इस वजह से ये सारे पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे सिलेबस पर फोकस करें, PMC ने जिस किस्म की गाइडलाइन दी है, और आप सिलेबस पर अच्छे से फोकस करके अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले बच्चों का स्कोर जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।